Hello, my dear students, how are you? I am sure you must be in very high spirits. I welcome you to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics interesting, easy to understand and a scoring subject for you. So, आओ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और इसका वीडियो है वीडियो नंबर 4 और टॉपिक हम कर रहे हैं डाइमेंशंस जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज़ की डाइमेंशंस करवाई थी और उस वीडियो में जो लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैंने आपको डाइमेंशन करवाई थी दैट वाज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मैंने आपको कहा था कि आपने नंबर डाल लेने हैं, अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, ये नंबरिंग आप करते जाना। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। देखो, मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको बताया था कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। देयरफॉर व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए पहला स्टेप है कि हमें उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और नंबर 2 फिर उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन क्या बन गई। जब ये दो चीज़ें पता चल गई तो हम उसको एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विद प्रॉपर पावर्स एंड दैट विल गिव अस द डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस। दैट मीन्स इट इज चेंज इन प्रेशर ओवर डिस्टेंस, चेंज इन प्रेशर ओवर डिस्टेंस, चेंज इन प्रेशर ओवर डिस्टेंस। और अब जो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की डाइमेंशंस होंगी वो प्रेशर वाली होंगी, तो ये आ गया प्रेशर यानी कि फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया दैट इज प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस इनटू डिस्टेंस नीचे है ये पहले, एंड दिस विल बी इक्वल टू फोर्स की मैंने आपको कहा है जवानी याद करनी है एम वन एल वन टी माइनस टू, एरिया इज एल टू और डिस्टेंस इज एल वन। दिस एल वन गोज विद दिस एल वन एंड वी आर लेफ्ट विथ एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू। दीज आर द डाइमेंशंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। अगर इतना लिखना हो तो दिस इज डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, और अगर डाइमेंशन बतानी हो तो वन इन मास, माइनस टू इन लेंथ और माइनस टू इन टाइम। लेकिन अगर एग्जाम में आए डिराइव द डाइमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, तो मान लो उनमें से है प्रेशर ग्रेडियंट, तो आपने यही चीज लिखनी है। ये अंडरस्टूड है कि डाइमेंशंस हैं वन इन मास, माइनस टू इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम। देन द नेक्स्ट क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल। अगर आपको याद हो बेटा जी, मैंने बताया था एंगल थीटा इक्वल एल ओवर आर। ये जो एंगल थीटा इक्वल एल ओवर आर होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, क्योंकि उसको हम एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आई कैन ड्रॉ दैट एंगल इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यू कैन ड्रॉ दैट एंगल इन द प्लेन ऑफ द पेपर। लेकिन जो सॉलिड एंगल है ये थ्री डायमेंशनल होता है, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द बोर्ड और ऑन द पेपर, सॉलिड एंगल। सो लेट अस सी कि इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन क्या है। तो मान लो आपके पास ये एक स्फीयर है, अब हम स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकते, है ये सर्कल बन गया, बट एक्चुअली इमेजिन करो जैसे फुटबॉल होता है वैसा ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है। अब इसके सरफेस पे आप एक एरिया एलिमेंट लो छोटा सा डी एस। अब देखिए, देखने में ये लगता है कि ये इसके अंदर चलेगी जो आर्क है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट इनसाइड। ये जो मैंने एलिमेंट बनाया इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जैसे आपने फुटबॉल पे देखा डिफरेंट कलर्स के पैचेस लगे होते हैं, तो वो पैचेस सरफेस पे होते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द पैचेस। अब क्या करो कि इसका नाम रख लो ए बी, ए को भी सेंटर से मिला दो, बी को भी सेंटर से मिला दो, ये सेंटर का नाम वो रख लो। इनफैक्ट इसका हर पॉइंट, ये जो ऐसे बन गया पैच, उसका हर पॉइंट आपने सेंटर से मिलाना है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम दो ही पॉइंट मिला रहे हैं ए और बी।
तो ये जो एंगल बन गया यहाँ पे इन स्पेस ऐसे, ये इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये पूरा स्पेस में है, इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया एलिमेंट डी एस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और रेडियस मान लो इसका है आर, और ये जो सॉलिड एंगल है इसका सिंबल होता है आइदर स्मॉल ओमेगा और कैपिटल ओमेगा, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा है, इससे भी हम डिनोट करते हैं सॉलिड एंगल को, इससे भी करते हैं, और ये सिंबल आपको पता है जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो क्योंकि ये एंगल बड़ा छोटा सा अपन है तो इसका नाम रख देता हूं डी ओमेगा, डी ओमेगा इज द सॉलिड एंगल, दैट मीन्स सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू सॉलिड एंगल ब्रैकेट में लिख लो डी ओमेगा हियर, दिस इज इक्वल टू डी एस ओवर आर स्क्वेयर, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अब इसकी डायमेंशन पुट करते हैं, यह है एरिया, एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वेयर, रेडियस स्क्वेयर ये वर्डिंग में लिख लिया ताकि हमें किसी किस्म की मुश्किल ना आए इन राइटिंग द डाइमेंशंस। एरिया यू नो इज एल टू और रेडियस होता है एल वन, तो स्क्वेयर है तो ये भी आ गया एल टू, सो दिस इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, दैट मीन्स सॉलिड एंगल इज ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेन एंगल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, तो सॉलिड एंगल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता, इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, so that means density equal to mass divided by volume. Now what is the symbol for mass, that is capital M1 and volume is L3, time isme nahi aaya, so we can write it as equal to M1 L minus 3 T0, so these are the dimensions of density. I repeat, density is defined as the mass per unit volume. ये आपने definition याद करनी है और फिर defining equation क्या हो गई, density equal to mass over volume. Now you know that mass is fundamental, तो उसका unit m1 power 1 आ गई और volume होता है l3, तो ये बन गया m1 l minus 3 t0. उसके बाद relative density और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, दो नाम है इसके, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले बेटा जी डेफिनेशन सुनो इसकी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी, दैट मीन्स relative density or specific gravity is equal to density of the given body, जिस body की relative density की बात कर रहे हैं उसकी density of the given body divided by density of water at 4 degree C, density of water at 4 डिग्री सी। अब ये टेम्परेचर क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी एंड इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। अब देखिए ये डेंसिटी है किसकी, बॉडी की, ये डेंसिटी है किसकी, वाटर की, इसका मतलब न्यूमिरेटर में भी डेंसिटी है डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, और डेंसिटी की क्या डायमेंशंस है, एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो डिवाइडेड बाई एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो, तो ये सब आपस में कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद एम जीरो एल जीरो टी जीरो, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। Now we come to specific volume. Specific volume. Specific volume.
दिस इज वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास. सो हाउ डू यू डिफाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम? अगर आपको को कहे कि डिफाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो आपने कहना है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम पर यूनिट मास. जैसे डेंसिटी इसका उल्टा है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम पर यूनिट मास. तो जैसे डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम ओवर मास. नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू वॉल्यूम की क्या बेटा जी होती हैं, एम आ जाएगा माइनस वन क्योंकि ये पावर नीचे है, और एल आ जाएगा थ्री और टी आ जाएगा जीरो. सो दीज आर दी डेम, ये डेंसिटी के बिल्कुल उल्टा आ गई. देन नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इट इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू एफ ओवर आर. दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसका सिंबल है म्यू, और इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये है नॉर्मल रिएक्शन. और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मीन्स फोर्स, एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ सेज दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब एक्शन क्या करते हैं, मान लो मैं बोर्ड पे एक्शन करता हूं तो बोर्ड मेरे हाथ पे रिएक्शन करेगा. तो बोर्ड पे एक्शन करने का मतलब मैंने इस पे फोर्स लगाई और इसने मेरे हाथ पे रिएक्शन किया, इसका मतलब इसने मेरे हाथ पे फोर्स लगाई. सो रिएक्शन इज आल्सो फोर्स, और ये तो है ही है फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स की डायमेंशंस होती हैं एम वन एल वन टी माइनस टू, और नॉर्मल रिएक्शन की भी आ गई एम वन एल वन टी माइनस टू, और ये सब आपस में कैंसिल एम जीरो एल जीरो टी जीरो. दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें दो तरह का हो सकता है. एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करती उस वक्त तक जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब मूव करना शुरू कर देती है उस वक्त बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. और सिंबल हम यूज कर सकते हैं म्यू एस फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन. और एक और तरह का होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो डायमेंशनलेस आ गया, इट हैज नो डायमेंशंस. और दूसरा होता है रोलिंग कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, उसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल म्यू आर. द कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल म्यू आर. अब ये ध्यान से समझो, इट हैज बीन फाउंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सिंपली फ्रिक्शन भी हम लिख सकते हैं, और ये है नॉर्मल रिएक्शन. दैट मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील. दिस इज द रेडियस ऑफ द व्हील, जैसे कोई व्हीकल है उसके व्हील का रेडियस है ये. तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द व्हील. अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो आ गया एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर. अब इस साइन को हटा के जब इक्वल टू लगाना है तो वो हम यूज करते हैं म्यू आर, और यू कैन से दैट एफ इक्वल टू म्यू आर into capital R over small r, where mu r is the constant of proportionality and is called coefficient of rolling friction, coefficient of rolling friction. Please remember, ये dimensionless नहीं आएगा, लेकिन वैसे जो coefficient of friction है exam में अगर लिखा है coefficient of friction तो वो आपने dimensionless वाला करना है, लेकिन अगर लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन तो फिर आपने ऐसे करके बताना है. अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू आर विल बी इक्वल टू एफ इनटू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर. नाउ व्हाट इज एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसकी डायमेंशन तो फ्रिक्शन फोर्स वाली हो गई, एम वन एल वन टी माइनस टू, एंड व्हाट इज आर, रेडियस लेंथ एल वन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये मैंने बताया ये फोर्स ही है. सो इसकी आ जाएंगी m1 l1 t माइनस टू,
तो ये तो पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया बेटा जी, एल वन यानी कि एम जीरो एल वन टी जीरो, दीज आर दी डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू लेंथ के बराबर होती हैं, याद रखना। लेकिन अगर वो पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर आपने वो जो डायमेंशन लेस है वो बताना है। सो रिमेंबर, कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट डायमेंशन लेस, बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन और सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशन लेस। नेक्स्ट वी कम टू एनर्जी डेंसिटी, ये बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी देखिए, वो अभी मैंने आपको ऊपर करवाई डेंसिटी, वो मैंने आपको क्या बताया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैं मास डेंसिटी भी कह सकता था। तो अगर मास डेंसिटी को हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी को क्या कहना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मींस दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। नाउ दिस इज इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम, एनर्जी ओवर वॉल्यूम इक्वल टू एनर्जी एम वन एल टू टी माइनस टू। जवानी याद बेटा जी करनी है, जे मैंने आपको बोला था वर्क ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कपल और टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स, इन सब की सेम होती हैं एम वन एल टू टी माइनस टू ओवर वॉल्यूम, दैट इज एल थ्री। करो सिंप्लीफाई तो यह आ जाएगा इक्वल टू एम वन, क्योंकि एल की पावर यहाँ टू यहाँ थ्री, तो ये बची एल माइनस वन टी माइनस टू। और अगर आपको याद हो प्रेशर की भी सेम आती हैं और स्ट्रेस की भी सेम आती हैं। सो रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी डेंसिटी प्रेशर एंड स्ट्रेस आर द सेम। तो ये डायमेंशंस आ गई वन इन मास माइनस वन इन लेंथ एंड माइनस टू इन टाइम। देन सरफेस एनर्जी, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। यहां पे बच्चे गलती करते हैं बेटा जी, सुनो क्या गलती करते हैं, वो सरफेस एनर्जी को एनर्जी समझाते हैं, और अच्छे से अच्छा बच्चा भी कई बार वो एनर्जी की लिख देता है एम वन एल टू टी माइनस टू। बट रिमेंबर सरफेस एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और सरफेस एनर्जी एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। इसलिए मैंने ये साथ साथ करवाई हैं दोनों आपको, ताकि आपको इनमें डिफ्रेंशिएट करने का पता चल जाए कि एनर्जी डेंसिटी क्या है और सरफेस एनर्जी क्या है। एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया, दैट मींस ये बुत्र जी किसके बराबर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी ओवर सरफेस एरिया, एनर्जी ओवर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। नाउ एनर्जी यू नो इज एम वन एल वन टी एल टू टी माइनस टू टी माइनस टू एंड व्हाट इज एरिया एल टू, तो ये बन गया इक्वल टू एम वन एल जीरो टी माइनस टू। और अगर आपको याद हो मैंने आपको एक फोर्स सरफेस टेंशन करवाया था और एक करवाया था फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, वो भी दोनों होते हैं फोर्स ओवर लेंथ। जब फोर्स ओवर लेंथ को करोगे, फोर्स की होती है एम वन एल वन टी माइनस टू और लेंथ की यहां पे हो जाएंगी एल वन, एल वन से एल वन हो जाएगा कैंसिल, तो उनकी भी डायमेंशन सेम आएंगी। तो याद रखो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, फोर्स कॉन्स्टेंट और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आर द सेम। देन वी कम टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, नाम से पता चलता है दिस इज मास ऑफ यूनिट लेंथ। मान लो आपके पास एक लंबी वायर है ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसकी मोटाई हर जगह से बराबर है। अब उसका टोटल मास निकाल लो, टोटल लेंथ निकाल लो, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, तो दैट विल गिव यू द मास पर यूनिट लेंथ। इसको कई बार बेटा जी बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। रिमेंबर डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ।
So this will be equal to mass over length. Mass over length. Mass over length. Now mass is m1, length is l1. तो ऊपर जाके आ जाएगा l minus 1. और क्योंकि टाइम नहीं आया तो यू कैन राइट t 0. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. नाउ वी कम टू वेव लेंथ. ये नाम आपने सुना है, वेव लेंथ ऑफ ए वेव. तो बहुत आसान, वेव लेंथ इज नथिंग बट लेंथ. सो दिस इज इक्वल टू एल वन, या इसको लिख सकते हैं आप एम जीरो एल वन टी जीरो. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेव लेंथ. नाउ वी कम टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड. रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड. रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड. तो पहले इसकी डेफिनेशन सुनो. नाम से पता चलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड. जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है. दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम. वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम. तो ये आ गया इक्वल टू एम जीरो एल थ्री टी वन टी माइनस वन. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड. नाउ वी कम टू एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट. एंगुलर मोमेंटम ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको करवाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जो फंडामेंटल लॉज हैं कंजर्वेशन लॉज, इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू एम वी आर. एम वी आर, एम इज द मास ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल, वी इज इट्स वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच दैट बॉडी और पार्टिकल इज मूविंग. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू मास इन टू वेलोसिटी इन टू रेडियस. ये वर्डिंग में लिखने का फायदा ये होता है फिर हमें गलती कोई नहीं लगेगी. ये आपको पता है मास, व्हाट इज मास एम वन, व्हाट इज वेलोसिटी एल वन टी माइनस वन, व्हाट इज रेडियस एल वन. तो ये क्या आ गई डायमेंशंस एम वन एल टू टी माइनस वन. सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब बहुत इंपॉर्टेंट अगेन प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ये आपने नाम सुना है. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल एच. मैक्स प्लैंक ने कहा था कि ये जो लाइट है इसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. कोई भी सोर्स जो लाइट देता है, लाइट कंसिस्ट ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड द energy of each packet of energy is given, each packet of light is given by E equal to H into nu, where nu is the frequency of that light. जैसे जो white light है, अगर इसकी एक bundle या packet की energy निकालनी हो तो it will be equal to Planck's constant multiplied by its frequency. इस तरह मान लो को और source है जिसकी frequency जो है light की वो different है, तो उसके लिए nu की value different आ जाएगी. But we can find the energy of each bundle, and each bundle or packet of energy is called a photon, P-H-O-T-O-N, photon. So, ये एक photon की energy है. हमने dimension निकालनी है H की. तो पहले तो लिख लो define equation, क्योंकि जब तक define equation नहीं पता होगी, ये आपने याद करनी है. अगर ये याद है तो फिर कोई मुश्किल नहीं पड़ती. किसकी निकालनी है हमने? H की. तो लिखो और H equal to E over nu. E over nu. Now what is E? Energy. Energy. And what is nu? Frequency. Frequency. अब energy की आपको पता है m1l2 t minus 2 और frequency आपको पता है t minus 1. ये हमने करी थी कल पिछले वीडियो में. तो ये आ गया equal to m1l2 t minus 1. And you can see, अभी मैंने आपको करवाया एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम और
प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती हैं, दैट इज वन इन मास, टू इन लेंथ एंड माइनस वन इन टाइम. सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब हम आते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सिंबल आपको पता है, कैपिटल जी. कांस्टेंट डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल जी. सो लेट अस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज गिवन बाय एफ इक्वल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, वेयर आर इज द मास ऑफ वन बॉडी, एम इज द मास ऑफ वन बॉडी, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज एंड कैपिटल जी इज ए कॉन्स्टेंट नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. और इसके साथ ये यूनिवर्सल वर्ड क्यों ऐड करते हैं, वाई नॉट ओनली ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट? तो इसका जवाब है बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इज द सेम एट ऑल प्लेसेज इन द यूनिवर्स, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. तो ये बेटा जी डिफाइनिंग इक्वेशन है इसकी. तो देयर फोर आप जी को एक तरफ कर लो जिसकी डायमेंशन निकालनी, ये आर स्क्वेयर है यहां पे, तो आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, दिस इज इक्वल टू एफ इज फोर्स एंड फोर्स इज एम वन एल वन टी माइनस टू. आप देख सकते हैं कि फोर्स की हमें बार बार यूज करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपको कहा कि फोर्स की जवानी याद कर लेनी है. इनटू रेडियस दैट मींस लेंथ, ये एल टू आ गया, ओवर मास इनटू मास दैट इज एम टू. अब देखिए यहां एम वन यहां एम टू, तो इट विल बी एम रेज टू द पावर माइनस वन, एल रेज टू पावर वन प्लस टू, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो एल रेज टू पावर थ्री and t raised to the power minus 2. So these are the dimensions of universal gravitational constant. Ye ban gaya dimensional formula, aur dimensions hai minus 1 in mass, 3 in length and minus 2 in time. So that's all for today. We will continue the dimensions of some, we will find the dimensions of some more physical quantities. To aapne inko numbering kar leni hai, achhi tarah inko pad lena hai, yaad kar lena hai और नोट्स बना लेने हैं, फिर आपको बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.